हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और ये है इलाइट रोम का लेटेस्ट वीकली बीटा अपडेट मी 11X और पोको F3 दोनों के लिए। तो इस वीडियो के अंदर सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आप जाननी चाहते हो, उसके साथ गेमिंग परफॉर्मेंस को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और क्या बग्स आपको मिलते हैं, स्पेशली मी 11X वाला बग यहाँ पर फिक्स्ड हुआ है या फिर नहीं, वो आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर देना, 17K जल्दी ही होने वाले हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब आपका यहाँ पर मेरे को काफी मोटिवेट कर सकता है और हां आपका एक लाइक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे के लिए। सबसे पहले बात करेंगे सेटिंग्स के अंदर माय डिवाइस पेज की, तो यहां पर आपको मिलता है इलाइट रोम 13 और जो बीटा वर्जन यूज किया है वो 22.9.7 बीटा वर्जन है। और ऑल स्पेक्स के अंदर चलते हैं तो यहां पर आपको 2GB मेमोरी एक्सटेंशन, वही सब चीजें मिलती है, एंड्रॉइड 12 है, सितंबर का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल और पर्फ का कर्नल आपको रोम के अंदर मिलेगा। सो ये एक फ्री बिल्ड है, यहां पर आपको इलाइट कस्टमाइजेशन लाइट मिलेगा जिसमें कोई एक्स्ट्रा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते। वैसे मैक्सिमम आइकॉन इन डॉक का ऑप्शन आई थिंक मैंने पहली बार देखा है। चेक करते हैं इस रोम की स्मूथनेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड बैलेंस्ड एनिमेशन स्पीड के अंदर चेक कर सकते हो। मेरे को जो इसकी यहां पर स्मूथनेस है ना वो लिटरली काफी ज्यादा अच्छी लगी है। आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन है, इवन जो रैम मैनेजमेंट है वो भी दिखाऊंगा। चाइना से पोर्टेड तो नहीं मिलती बट चाइना का ऑफिशियल वर्जन मिलता है ना मी 11X के लिए, उसके ऊपर बेस्ड है एंड लिटरली जो एक्सपीरियंस है ना वो काफी ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। कोई आपको लैग स्टटरिंग वगैरह यूआई के अंदर नहीं आने वाला। हालांकि थोड़ा सा एक दो ऐप आपके, जब आप इतने ऐप्स ओपन करते हो तो बीच में कोई एक आधा ऐप आपका यहां पर मेमोरी से बाहर चला जाता है, बट मैंने कैमरा ओपन कर रखा है जो कि काफी ज्यादा हैवी एप्लीकेशन है। और यहां पर जो लेआउट है वो भी आपका चाइना से अपडेटेड है लेटेस्ट बीटा से। 4K 60fps वीडियो है, पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, नाइट साइड है, इवन स्लो मोशन वीडियोज आप निकाल सकते हो 1080p 960fps तक। तो सभी चीजें आपको वर्किंग मिलती हैं। बाकी आप जीकैम ट्राई कर सकते हो, जीकैम के अंदर भी ऑलमोस्ट सभी चीजें यहां पर वर्किंग है। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर आ जाते हो तो यहां पर आपको जो है मैक्सिमम फ्रेम रेट 90fps का मिल जाएगा, तो इसके ऊपर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड यहां पर ना दो आपको ब्राउजर मिल जाएंगे, एक तो यहां पर मिल जाएगा, दूसरा यहां पर देखने को मिल जाता है। तो आई डोंट नो ये दो क्यों यहां पर इंट्रोड्यूस किए हैं। आई थिंक दोनों है ना, जो आपको एक ग्लोबल वाला देखने को मिल जाता है, सो आई थिंक ये वाला ग्लोबल वर्जन है, बट नहीं, ये भी आपको चाइनीज मिलता है और ये भी आपको यहां पर चाइनीज वर्जन देखने को मिलता है। तो इस अपडेट के अंदर बाय चांस बाय मिस्टेक दो आपको जो है सिस्टम सॉरी जो है मीम ब्राउजर देखने को मिल जाएंगे जो कि स्टॉक आपको मिलते हैं। अब ना इंपॉर्टेंट चीजें चेक कर लेते हैं जो कि आपको जानना काफी जरूरी है। सबसे पहले आपका जो डिवाइस है रोम के अंदर सर्टिफाइड आपको मिलेगा, उसके बाद यहां पर आपको वाइड वाइन L1 देखने को मिल जाएगा एंड गूगल फोटोज के अंदर स्पूफिंग है। अब काफी लोगों को यहां पर स्पूफिंग नहीं मिलती, उसका रीजन क्या है, आप सबसे पहले ना जब आप इसको ओपन करते हो गूगल फोटोज ऐप को तो वहां पर स्टोरेज सेवर का ऑप्शन मिलता है, उसको सिलेक्ट करना, तब आपको अनलिमिटेड फोटो बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा। और समटाइम्स जो फोटोज ऐप है ना वो इस रोम के अंदर क्रैश करता है एंड आई थिंक ये चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताई थी, जब इसका मैंने रिव्यू किया था इसका प्रीवियस बीटा, तो वहां पर भी क्रैश करता था एंड इसके अंदर भी समटाइम्स ये क्रैश कर जाता है। और मैंने इंस्टॉल कर रखा है बिल्कुल लेटेस्ट प्ले स्टोर से। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपको है Geekbench 5 के स्कोर्स मिलेंगे, परफॉर्मेंस मोड के ऊपर कर रखा है टॉगल को, बट इसके रिगार्डिंग एक चीज़ बताऊंगा आगे। एंड अगर आप 3D मार्क के अंदर स्कोर्स देखोगे तो ये आपको स्कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो इसकी चार्जिंग स्पीड, तो अगर आप फ़ोन को यहाँ पर नॉर्मली चार्ज पर लगाओगे और देखने लगोगे कि स्पीड कितनी है, तो ये स्पीड आपको वहाँ पर मिलेगी स्टार्टिंग के अंदर। बट अगर आप फ़ोन को ऑफ करके रख देते हो, लाइक यहाँ पर डिस्प्ले को ऑफ कर देते हो, तो आपका जो स्पीड है वो 5000 mAh के ऊपर चला जाएगा। एंड जो स्पीड है वो आप यहां पर भी देख सकते हो, मैक्सिमम जो टेम्परेचर मेरे को मिला उस टाइम में 41 डिग्री के आसपास था। सो 41 से ऊपर टेम्परेचर मैंने यहां पर जो है यहां पर नहीं नोटिस किया और जो है मेजर हीटिंग इशू मैं इसको नहीं बोलना चाहूंगा। अगर आप सीबी थ्रॉटलिंग ग्राफ देखोगे तो यहां पर 92% तक सीबी थ्रॉटल होता है, 236,000 के आसपास मैक्सिमम GIPS आपको मिलेंगे और एवरेज है 230,000 के आसपास। अब सीबी थ्रॉटलिंग ग्राफ का वही सीन आपको मिलता है बेसिकली पूरी रोम का मी 11X के लिए। अब इस चीज को फिक्स करने के लिए मैंने यहां पर जो है फास्ट बूट रोम को भी एक बार इंस्टॉल करके देख लिया, बट जो इशू है वो आई थिंक चाइनीज रोम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि रोम्स उसके ऊपर ही बेस्ड होती है। तो यहां पर इशू क्या है, अगर आप यहां पे जो है परफॉर्मेंस मोड को ऑन कर देते हो तो जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 2.74 GHz से ऊपर नहीं जाती एंड अगर आप उसके ऊपर फोन को यूज करोगे बैटरी बैकअप अच्छा मिलेगा, बट जो गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह है वो आपको एग्जैक्ट पीक देखने को नहीं मिलेगी।
तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फ़ोन रूट करना होगा, देन FKM को इनेबल करना होगा, बेसिकली इंस्टॉल करना होगा और यहाँ पर क्लिक करना है। देन आपको जाना है कर्नल सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पर आपको जो है मिसलेनियस का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है ना थर्मल प्रोफाइल का, इसको यहाँ पर टॉगल कर लेना, इनेबल कर लेना और यहाँ पर डायनेमिक को सिलेक्ट कर लेना, तब आपको 3.1 GHz देखने को मिल जाएगी, 18 GHz। और इसके बाद में ही मैंने सभी बेंचमार्क्स को यहाँ पे रन किया था, तो ये इशू मेरे को देखने को मिल रहा है। अगर आपको भी मिल रहा है तो कमेंट्स में बताना, बट काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे मेरे को कि यहाँ पे मैक्सिमम जो क्लॉक स्पीड है वो कैसे गेन करी जाए। अगर आप भी Mi 11X स्पेशली यूज़ करे हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना आपको ये इशू मिल रहा है या फिर नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। लेफ्ट साइड में आपको एवॉल्ट मिल जाता है, लेटेस्ट विजेट स्टोर यहाँ से रिमूव्ड है, यहाँ पर आपको नॉर्मल सिंपल विजेट्स देखने को मिलेंगे। अब 90 FPS BGMI की बात करेंगे, तो अगर आप इस रोम को गेमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो तो फुली रिकमेंडेड रोम है। जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अब इस Mi 11X के ऊपर जब मैंने गेमिंग किया तो अभी जस्ट मैंने जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन की उनको इनेबल करके किया, क्योंकि एग्जैक्ट जो क्लॉक स्पीड है वो नहीं मिल रही थी, तो मैं नहीं चाहता कि आपको बैड ऑप्टिमाइजेशन मिले यहाँ पर बिना सब चीज़ों के, क्योंकि जो मैक्सिमम स्पीड है वो तो आपको गेन करनी पड़ेगी। तो मैंने उस चीज़ को ट्राई किया और उसके बाद जो एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में सबसे पहले इशू आपको बताता हूँ। तो जब यहाँ पर लेटेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ये जो है अपडेट आया था ना, जो इसका लेआउट थोड़ा सा चेंज हुआ है ना पहले से, तो उसके अंदर ना यहाँ पर इशू है। जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करते हो तो BGMI के अंदर तो एटलीस्ट इशू मेरे को देखने को मिला है, तो वहाँ पर ना FPS आपको एक्चुअल में तो काफ़ी अच्छे शो करता है, बट जो रियलिटी में आपको या फिर रियल टाइम में जो आपको FPS मिलते हैं वो काफ़ी कम रहते हैं जो आपको यहां पर शो होते हैं उससे। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना, यहां पर जो FPS है ना आपके ड्रॉप होंगे अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हो। और यह जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का अपडेट है, यह प्रीवियस अपडेट्स के अंदर भी था और वहां पर भी यह इशू एग्जिस्ट करता था। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में आपको इशू मिल जाएगा, FPS ड्रॉप करेंगे, बट वो आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे, बट आप नोटिस जरूर करोगे जब आप गेम प्ले करोगे। अगर आप यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते तब जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा कमाल की आपको देखने को मिल जाती है। जो टचेस वगैरह हैं और जो स्मूथनेस मिलती है 90 FPS के अंदर और जो FPS मिलता है वो काफ़ी स्टेबल रहता है। और हीटिंग की बात करें तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिला वो मेरे को आई थिंक 43 डिग्री के आसपास था, 43 से ऊपर जो है टेम्परेचर नहीं गया। एंड जो परफॉर्मेंस थी ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलती है। आप इस रोम को गेमिंग के लिए डेफिनेटली जो है ट्राई कर सकते हो, कोई भी आपको मेजर इशूज़ वगैरह रोम के अंदर नहीं आने वाले, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बग याद रखना। और मिलेंगे नेक्स्ट MIUI VN के वीकली बीटा अपडेट के अंदर, तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करके रखो। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।